नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है और इस मैच में मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को दोनों सलामी बल्लेबाजों ने सदी भी शुरुआत दी। इंग्लैंड ने 14 ओवर तक कोई विकेट नहीं गवाया था, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने आते ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। टी ब्रेक के बाद दूसरी ही गेंद पर भारत को पहली सफलता मिल गई। सफलता दिलाई मोहम्मद सिराज ने, जिनकी अंदर आती गेंद को सिबली ने फ्लिक किया, लेकिन इसे जमीन पर नहीं रख सके और शॉर्ट मिड विकेट पर राहुल ने तेजी से आता कैच लपक लिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर सिराज को एक और सफलता मिल गई और शिकार बने हसीब हमीद, जो करीब 5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। पहली ही गेंद पर सिराज ने उनके स्टंप्स को टारगेट किया और हसीब ने गेंद को इनस्विंग के लिए खेला, लेकिन ये सीधी निकली और हमीद के बल्ले को छकाते हुए सीधे स्टंप्स में घुस गई। इस तरह मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों में 2 विकेट झटके। इसके बाद इंग्लैंड की पारी को बचाने और संभालने की जिम्मेदारी एक बार फिर कप्तान जो रूट के कंधों पर आ गई, जिन्होंने सिराज को हैट्रिक लेने से रोक दिया। दोस्तों, इसके बाद जो रूट ने रॉरी बंस के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों की साझेदारी बड़ी हो गई और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा। भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी, लेकिन इसके बाद मोहम्मद शमी ने भारत की मैच में वापसी कराई। काफी देर के बाद मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में वापसी हुई और उन्होंने दूसरी गेंद पर ही भारत को सफलता दिला दी, जिसका भारत को काफी देर से इंतजार था। शमी ने बंस को LBW आउट किया। इसके बाद इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरा और दूसरे दिन के अंत के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन था। दोस्तों, इसके बाद आज इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने तीसरे दिन की अच्छी शुरुआत की और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दूसरे छोर पर बेयरस्टो भी अच्छी लय हासिल करते हुए दिख रहे थे। भारतीय गेंदबाज आज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें विकेट नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते इंग्लैंड के 200 रन पूरे हो गए और बेयरस्टो रूट की साझेदारी भी 100 रनों से ज्यादा हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने इस सेशन में तेजी से रन बनाए। भारत को एक भी मौका इस सेशन में नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि इंग्लैंड दबाव में रहा हो। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारत के लिए रूट और बेयरस्टो की यह पार्टनरशिप खतरनाक साबित हो रही थी, जिसके बाद कप्तान कोहली ने गेंद मोहम्मद सिराज को सौंपी और मोहम्मद सिराज ने वही किया जिसके लिए उनसे उम्मीद की गई थी। लंच के बाद से ही सिराज ने शॉर्ट पिच गेंदों का प्लान शुरू किया और वे लगातार शरीर की लाइन पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे थे। पिछले ओवर में पुल करने की कोशिश में बेयरस्टो के ग्लब से लगकर गेंद लेग साइड में विकेट कीपर के बेहद करीब से निकल गई। इस बार नए ओवर में भी सिराज ने यही कोशिश की और इस बार सफलता मिल गई। बेयरस्टो ने फिर से पुल किया, लेकिन गेंद ग्लब से लगकर उछल गई और पहली स्लिप में विराट कोहली के पास चली गई। सिराज का ये तीसरा विकेट था। इस समय इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन था। दोस्तों, के आज के दिन टीम इंडिया इंग्लैंड को ऑल आउट कर पाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।